विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर भले ही राजनीति कर रही हो, लेकिन मोदी सरकार किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रखी है। किसानों के अच्छे दिन लाने की योजना पर फिलहाल मोदी सरकार जोर शोर से काम कर रही है और ये काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही मोदी सरकार इस योजना का ऐलान कर किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर का दावा है कि मोदी सरकार इस योजना पर काम कर रही है, जिसमें गन्ना किसान यदि शुगर मिल को गन्ना बेचते हैं तो केंद्र सरकार प्रति टन बेचे गए गन्ने पर 55 रुपए किसान को देगी। इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गन्ना किसानों को मिलेगा। वहीं वैश्विक मंदी के कारण बदहाल पड़ी शुगर फैक्ट्रियों के लिए भी ये योजना राहत भरी होगी। पिछले महीने मोदी सरकार ने चीनी निर्यात करने पर 20% टैक्स को वापस लेने का फैसला किया था। इसके साथ ही मोदी सरकार ने देश की सभी चीनी मिलों को प्रति वर्ष कम से कम 2 मिलियन टन चीनी निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है इस योजना के लागू होने के बाद यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले किसानों के साथ साथ देश भर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा।